पृथ्वी पर जीवन लगभग 4 अरब साल पहले आया और इंसान सिर्फ 2 लाख साल पहले आए थे। तो सवाल यह है कि पृथ्वी पर इंसान के आने से अरबों साल पहले आखिर जीवन कैसे आई? अब इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है, पर इसकी कई सारी थ्योरीज हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 BCE में फिलोसोफर एनैक्सागोरस ने ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक थ्योरी दी, जिसे पैनस्पर्मिया कहा जाता है। यह लाइफ की फर्स्ट थ्योरी थी। पैनस्पर्मिया एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैंस जिसका मतलब ऑल और स्पर्मा जिसका मतलब सीड होता है, यानी कि ऑल सीड। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रह्मांड में लाइफ सीड्स के रूप में फैली हुई है और वहीं से हमारी धरती पर एस्टेरॉयड या मीटियोर्स के साथ आई। इस थ्योरी को कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है, पर इस थ्योरी से मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट सहमत नहीं थे, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस थ्योरी की रिजेक्शन के बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन सामने आई। ये हाइपोथेसिस एरिस्टोटल ने दिया। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ नॉन लिविंग थिंग से इवॉल्व हुई है, जैसे कि मिट्टी और पत्थर। ये थ्योरी काफ़ी समय तक एक्सेप्टेड थी, पर 19th century में लुइस पाश्चर और जॉन टिंडलर डिसअप्रूव कर दिया। लुइस पाश्चर के स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से नहीं बल्कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से इवॉल्व हुई। अब स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि कैसे उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, जिसे ए बायोजेनेसिस भी कहा जाता है, उसे डिसप्रूव कर दिया। लुइस पाश्चर की इस थ्योरी को प्रपोज करने के बाद भी काफ़ी साइंटिस्ट सहमत नहीं थे, पर लुइस पाश्चर की ये थ्योरी भी फेल हो गई, क्योंकि उसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट को एक बात हैरान कर रही थी, जो कि थी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आखिर कहाँ से आई। तो इसके बाद 1952 में यूरी मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके आधार पर 1992 में पॉपरिन और हेल्डेन ने थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया, जिसके अनुसार आज की लाइफ जो भी हम देखते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आई है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन। अब इस थ्योरी के बाद वैज्ञानिकों के पास ये आंसर था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आई होगी। तो आज के समय में ये थियोरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के कौन कौन सी थ्योरीज हैं और समय के साथ उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।